हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों की स्कॉलरशिप आ चुकी है, तो आज मैं आपको बता दूंगा आप अपनी स्कॉलरशिप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी भी स्कॉलरशिप आ चुकी है। दोस्तों मेरा एक दोस्त था, एक मेरा फ्रेंड था जो जिसको मैंने बताया, तो चेक करा तो उनकी स्कॉलरशिप वहाँ पर आ गई थी, पर उनके अकाउंट में नहीं आया था। तो उनको दो तीन दिन वर्किंग डे में उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा उनका स्कॉलरशिप का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको बात जितने भी बच्चे नए हों और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊं उन तक अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों मैं आपको बिना देरी के मैं स्टार्ट कर देने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बोलते हैं समझ में नहीं आया। दोस्तों आपको चले जाना है सरकारी जॉब फाइंड। दोस्तों मैं एकदम नई तरीके से बताने वाला हूँ आपको, आप परेशान ना होइए, आपको बस देखना है लास्ट तक। मैं नई तरीके से बताने वाला हूँ, आप सबकी तरह मत देखे चले जाइएगा कि भैया की अलग तरीके से बता रहे हैं। तो आपको सरकारी जॉब फाइंड क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप सरकारी जॉब फाइंड पहले वाले फ्रंट पे क्लिक करते हैं आप, तो आपको एक खुल के आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू अपडेट। दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है नेशनल स्कॉलरशिप 2021। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको खुल के ये ओपन हो जाएगा ब्राउज़र। जैसे ये ब्राउज़र ओपन होगा मुझे नीचे चले जाना है, इससे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक स्कॉलरशिप स्टेटस और यहाँ पे चेक NSP 2021 सेक्शन स्टूडेंट लिस्ट। दोस्तों यहाँ पे हमें पहले वाले पे क्लिक कर देना रहेगा। जैसे हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये साइट खुल के आ जाएगी, तो हमें यहाँ पे चूज एकेडमिक ईयर चूज कर लेना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2020-21, ये दोस्तों अभी नया चालू, अभी लेटेस्ट में आया, ये अपडेट आया है, ये पहले 2019-20 था, 2020-21 आया है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको एप्लीकेशन टाइप चूज करना है, फ्रेश रिन्यूअल, आप अगर रिन्यूअल के हैं तो रिन्यूअल चूज कर लीजिएगा, या आप फ्रेश हैं तो फ्रेश चूज कर लीजिएगा। मैं रिन्यूअल हूँ तो मैं रिन्यूअल चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे रिन्यूअल जैसे मैंने चूज करा, यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री वाले पे क्लिक कर देना रहेगा। दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट मिनिस्ट्री क्लिक करते हैं, आपको पहला वाला ऑप्शन है उसी पे क्लिक कर देना, पहले वाले ऑप्शन पे। जैसे मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम, यहाँ पे चूज योर ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम मॉनिटरीज CS। दोस्तों यहाँ पे आपको पहले वाले पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पहले वाले क्लिक कर देंगे आप, जैसे पहले वाले क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे स्टेट आपको चूज कर लेना रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे स्टेटस चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं चूज करके मेरा बता देता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूँ, आप भी चूज कर लीजिएगा जो जिस कैपिटल के रहिएगा आप, आपको चूज कर लेना रहेगा। तो मैं जौनपुर का हूँ, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे आपको चूज कर लेना रहेगा। दोस्तों मैं अपना नाम डाल दूंगा, दोस्तों आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ। नाम डालने के बाद दोस्तों आपको अपना नंबर डाल देना रहेगा, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा जो आपके मोबाइल में लगी रहे OTP आ सके, ताकि OTP आ सके। दोस्तों मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, मैं देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो जैसे आप डालते हैं यहाँ पे सेलेक्ट योर ऑप्शन पे चूज़ कर लेना दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, कैप्चर फिलअप कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे मैं फिलअप कर दूंगा कैप्चर, वहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, बस आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, लास्ट तक देखेंगे आप समझ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर सबमिट पे कर देना दोस्त आप। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं आप, कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल पे, देख सकते हैं 5 डिजिट का रहेगा OTP। आपको मैं सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी टाइम लग रहा है दोस्तों OTP आने में, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आपको मैं दिखा दूंगा अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP आ गया, तो हम OTP यहाँ पे फिलअप कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं I2QBL, दोस्तों यहाँ पे हम यहीं पे क्लिक कर देना रहेगा। दोस्तों मेरे यहाँ पे देख सकते हैं I2QBL2, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं सब कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कुछ छिपा नहीं रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना रहेगा दोस्तों। जैसे आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए, कंफर्म OTP कंफर्म जैसे करते हैं दोस्तों, मैंने शायद गलत को डाल दिया मैंने यहाँ पे, आपको मैं फिर से डाल के दिखा देता हूँ आपको। आप लाइन पे रहिएगा दोस्तों, बस आप लाइन पे रहिए, मैं दिखा देता हूँ आपको OTP। दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है, ये डालना रहेगा, उसके बाद 2QBL2। दोस्तों आप लाइन पे बने रहिएगा, देख सकते हैं आप अपनी स्कॉलरशिप इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आप देखिएगा अभी यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, आप कंफर्म करिएगा OTP आप। तो मैंने यहाँ पे साथ फिर गलत डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। QB यहाँ पे L डाल दीजिएगा आप, यहाँ पे कंफर्म करिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप कंफर्म करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं अभी, मतलब इन बच्चे का अभी स्कॉलरशिप नहीं आया, तो मैं नया चेक कर रहा था, इनका स्कॉलरशिप नहीं आया है। तो आप इसी प्रकार अपना चेक कर लीजिएगा दोस्तों, आपका
100 में से तो 50% लोगों का तो आया ही रहेगा दोस्तों, आप इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। और जो भी बच्चे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं उन तक अपडेट मिलता रहे। तो नमस्कार, मैं यहीं पे अलविदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।